कंडक्टर है, ये दोनों को तो खरोच भी कहीं नहीं आई है, वो तो फूट पड़े बाहर। और उसके बाद में एक जो पैसेंजर उसको हायर सेंटर संभाजीनगर भेजा गया है, और दो तीन पैसेंजर जो है वो उनको कुछ मतलब ज्यादातर नहीं लेकिन उनको थोड़ा सदमा पहुंचा हुआ है, लेकिन वो बहुत मतलब उनकी प्रकृति जो है, तबीयत जो है वो ठीक है। सीएमडीसीएम में आने वाला है, सीएमडीसीएम मुंबई से निकल चुके हैं, संभाजीनगर आएंगे और वहां से बाय रोड यहाँ पर आएंगे। क्या कुछ मुआवजा की घोषणा की है? 5 लाख रुपए पैसेंजर जो जो जिसमें जो जिनकी मौत हुई है उनके जो रिलेटिव है उनको 5 लाख रुपए की मदद में दी गई है। लेकिन 25 बॉडी जो इस तरह से जली हुई है पैसेंजर, तो उनको मतलब ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है, किसकी बॉडी है, क्या नाम है, कौन है। नाम तो हमारे पास है कि उन्होंने बुकिंग की थी, लेकिन कौन सी बॉडी किसकी किसकी है ये तय करना बहुत मुश्किल है। इसलिए फॉरेंसिक लैब के संभाजीनगर और नागपुर की जो टीम है वो यहाँ पर आ रही है थोड़ी देर में समय में, और वही फॉरेंसिक लैब के माध्यम से इनको थोड़ा ढूंढेंगे, उसको ढूंढने में मदद करेंगे कौन सी बॉडी किसके नाम की है, किसकी है। हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं समृद्धि महामार्ग पर बताया जा रहा है कि आए दिन इस तरह के हादसा हो रहे हैं और विरोध भी है। हम लोग देख रहे हैं कि समृद्धि महामार्ग पे होते हादसे हो रहे, नहीं हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो हादसा हुआ है उसमें कहा जाता है कि कोई कहते हैं कि ड्राइवर को थोड़ा मतलब नींद आ गई, थोड़ा उसकी आंख लग गई और इसलिए एक्सीडेंट हुआ है, वो सीधा पोल पे जाके टकरा गया। अब उसका कहना है कि टायर फट गया। अब इसमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि सच में क्या हुआ है, लेकिन स्पीड ये भी एक कारण इसमें होता है। रोड सुनसान है, खुला है, बहुत अच्छा है, इसलिए स्पीड पे कंट्रोल करना भी यहाँ बहुत जरूरी है। यहाँ पे ज्यादातर जो भी हादसे हो रहे स्पीड के कारण हो रहे, तो उसे लगता है कि जो ड्राइवर्स है या जो कार चालक है जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनको काउंसलिंग करने की जरूरत भी है, इनको बताने की जरूरत है कि स्पीड कैसे कंट्रोल में रखा जाए। अदरवाइज रोड अच्छे है इसलिए हम 200 की स्पीड में 180 की स्पीड में अगर गाड़ी चलाते हैं तो हादसे तो हो गए ही, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए स्पीड पे कंट्रोल करना, और जो भी कोई तकनीकी और कुछ प्रॉब्लम हो गए तो वो भी ढूंढने की सरकार कोशिश कर रही है, और जो एक्सीडेंट है वो कैसे रोके जाएंगे इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर और इंजीनियर का नाम क्या है? वो मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर दोनों भी तबीयत ठीक है, उनको कोई खरोच भी नहीं आई है, और वो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया।